हेलो एवरी वन अगेन वेलकम बैक एंड मेडिकल अवॉर्ड्स आई होप यू ऑल विल बी वेल एंड टूडे इज द सेवनटीन फाइव और प्रीवियस वीडियो में हमने अपना लॉन्ग बोन्स कम्प्लीट कर लिया है आज हम लोग शॉर्ट फ्लैट और इेगुलर बोन कवर करेंगे सो लेट स्टार्ट शॉर्ट बोन्स शॉर्ट बोन्स आर ऑफ इन क्यूब्ड और राउंड इन शेप जो शॉर्ट बोन्स होते हैं वो ओवर राउंड शेप के होते हैं मतलब उसमें लेंथ बहुत कम होती है उनकी वीड्स ज़्यादा होती है अब आप एक ओवरव्यू बना सकते हैं शॉर्ट बोन किस टाइप के होते होंगे द कार्पल ऑफ द रिस्ट एंड द टार्सल ऑफ द टार्सल बोन ऑफ द फुट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट बोन जो अपने रिस्ट में कार्पल बोन होती है और फुट में जो टार्सल बोन्स होते हैं वो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं शॉर्ट बोन्स के इसका लोकेशन आपको अच्छे से पता होगा मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में लेकिन नहीं पता है तो अभी हम लोग देखते हैं कार्पल बोन ऑफ द रिस्ट एंड टार्सल बोन ऑफ द फुट ओ ठीक है ये अपना हैंड है इसमें ये रिस्ट वाला पार्ट है जहाँ रिस्ट होती है अपनी कलाई उसको हम लोग कार्पल बोलते हैं वो कार्पल किसका एग्जाम्पल है शॉर्ट बोन का जो कार्पल होती है वो शॉर्ट बोन होती है ओके okay? उसके ऊपर मेटा कार्पल प्रॉक्जिमल फैलेंजेस इंटरमीडिएट फैलेंजेस डिजिटल फैलेंजेस ये सब चीज़ें आपको पता है ये तीनों पार्ट अपने फिंगर्स के हैं जो अपने पार्ट दिखते हैं ओके okay? एक कार्पल आपको अच्छे से पता चल गया होगा कार्पल ऑफ द रिस्ट ओके एंड अभी टार्सल बोन्स ऑफ द दे फुट देखते हैं ये अपना फुट है इसमें टार्सल बोन्सल बोन एक, बोन्स एक ग्रुप है बोन्स का जिसको इसमें कौन कौन सी बोन्स आती है वो देखते हैं इंटरमीडिएट की यूनिफॉर्म लेट्रल की यूनिफॉम मीडियल की यूनिफॉर्म नेविकुलर क्यूबर्ड टैलस कैंसलस ये सारी बोन्स किस में आती हैं टार्सल बोन्स में ओके ये सब क्या है शॉर्ट बोन्स हैं ओके okay, अभी अगर आपसे कोई पूछता है शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल बताइए तो आप अच्छे से बता सकते हैं कार्पर ऑफ़ द रिस्ट एंड टार्स ऑफ द फुट ओके okay? सो so, आगे कंटिन्यू करते हैं फ्लैट बोन्स के साथ सो so, फ्लैट बोन्स वेरी ग्रेडली इन साइज एंड शेप जो फ्लैट बोन होती है वो वेरी करती रहती है साइज और शेप को लेकर मतलब बदल उनका मतलब अलग अलग होता है वेरी करना मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप होता है बट हैव द कॉमन फीचर ऑफ बींग बैरी थिन इन वन डायरेक्शन बट इन में एक कॉमन फीचर होता है कि एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ऑब्वियसली अगर फ्लैट कोई चीज़ है तो वो थिं तो होगी ही ओके सो बिकॉज दे आर थिन ये थिन है इसीलिए एक ही डायरेक्शन में वो फ्लैट करती हैं मतलब थिन करती हैं ओके फ्लैट बोन डजेंट हैव मेडोलरी कैविटी लाइक द लॉन्ग बोन्स हमने जब लॉन्ग बोन देखा था तब उसमें एक चीज़ पड़ी थी कि लॉन्ग बोन्स के बीच में एक हॉलो कैविटी होती है इसको हम लोग मेडुलरी कैविटी भी बोलते हैं क्योंकि वो मिड में, में होती है बट फ्लैट बोन में ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे कोई भी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है लॉन्ग बोन्स की तरह द फ्रंटल पैराइटल एंड ऑसि ऑसिपिटल बोन्स ऑफ द क्रैनियम अलॉन्ग विद द रिप्स एंड हिप बोन्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स ओके क्रैनियम में फ्रंटल पैराइटल ओसीपिटल ये सारी बोन्स एग्ज़ाम्पल किसका है फ्लैट बोन्स का और हिप्स और हिप्स बोन्स किसका एग्जाम्पल है फ्लैट बोन्स का अब इनका लोकेशन देख लेते हैं ओके सो ओके ये क्रैनियम में फ्रंटल प्राइटल ओसीपिटल और टेम्पोरल ये किसके गे? किसका एग्जाम्पल है फ्लैट बोन का ओके अभी आपको अच्छे से समझ आया हो ये सपोज कीजिए ये अपनी आई है ओके अभी ये फॉ वाला एरिया है ये जो राइट वाला एरिया है वो फॉरेड है तो फॉरेड वाले एरिया को हम लोग फ्रंटल पार्ट बोलते हैं उसके थोड़े जो बीच में थोड़े बीच में जो उसके पीछे जो थोड़ा सा पार्ट है उसको पैराइटल बोलेंगे।, बोलेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट है अपना उसको हम लोग असीपिटल बोलेंगे और जो टेम्पोरल वाला पार्ट कहाँ होता है ये कान के पास होता है जो कान के पास दोनों साइड लेफ़्ट और राइट पार्ट है उसको हम लोग टेम्पोरल बोलेंगे ओके इसको और देख लेते हैं हिप्स और हिप्स ये ये रिब्स हैं अपने ये चेस्ट वाला एरिया है ये रिब्स है और ये हिप पोन्स है ओके okay, ये जो रेड वाला पार्ट है ये ये दो होती है लेफ्ट और राइट ओके अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा पैराइटल फ्रंटल और बीचल टेम्पोरल और हिप्स और हिप्स वाली लोकेशन अच्छे से पता चल गया होगी और अच्छे से देखते हैं ये अपना आई है ये फॉरेड है ये फॉरेड फ्रंटल हो गया ये पैराइटल बीच में हो गया ये टेम्पोरल पीछे वाला पार्ट हो गया फिर ये सॉरी uh, टेम्पोरली कान के पास जो लेफ्ट और राइट पार्ट है वो हो गया ऑसीपिटल अपना पीछे वाला पार्ट होता है उसके बाद ये सिफेनॉइड और इथमॉइड अभी हम लोग आगे देखेंगे ये अपना <coughs> ये हमारा नेक्स्ट वाली बोन में आएगा रेगुलर बोन में ओके okay? सो so, अभी हम लोग कंटिन्यू इरेगुलर बोन के साथ करेंगे तब हम लोग इथमॉइड और सिफेनॉइड को भी देखेंगे सो इरेगुलर बोन हैव ए शेप दैट डजंट फिट द पैटर्न ऑफ द लॉन्ग शॉर्ट बोन फ्लैट बोन ओके जो इरेगुलर बोन है उसके पास एक शेप होता है जो कि किसी भी बोन के पैटर्न में फिट नहीं बैठता है ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट ना ही इेगुल मतलब ना ही फ्लैट ओके बट अभी आपको भी पता है इरेगुलर का मतलब क्या होता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अभी इरेगुलर है तो वो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ही ना अभी वो किसी चीज़ में फिट कैसे हो जाएगा ओके कॉमन सेंस वाली बात है इसमें भी द वर्टिब्रा एंड सैक्रम कोकेक्स ऑफ द स्पाइन स्पाइन की वर्टिब्रा क्या सैक्राम कोकेक्स ये ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं इरेगुलर बोन के एज वेल एज सिफोनॉइड और इथमॉइड अभी मैंने आपको बोला था सिफोनाइ और अभी पढ़ेंगे अभी थोड़ा लोकेशन देख के आए थे क्रेनियम में होते हैं सिफोनाइड और इथमॉइड एंड जैगोमेटिक बोन्स ऑफ द स्कल आर द इेगुलर बोन्स ओके कौन इरेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सैक्राम कोकेक्स इथमॉइड सिफोनाइड जैगोमेटिक सारे एग्जाम्पल किसके हैं इरेगुलर बोन्स के ओके सो लोकेशन देखते हैं इनका सो so, सिफ का जो लोकेशन है वो ये है ये फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में होता है छोटा सा पार्ट ये ब्राउन वाला पार्ट और इथमॉइड कहाँ है ये अपना ईयर के थोड़ा पास होता है इथमॉइड ओके सो so, अच्छे से आपको ये पता चल गया होगा इसका लोकेशन अभी मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया सब कुछ बता दिया तो आई थिंक बहुत ईजी हो रखा होगा ये तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप में से कमेंट में पूछ सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब